किसान भाइयों, मैं तो आप सबसे कह रही हूँ, किस मोदी से उम्मीद लगा रहे हो जो अपनी माँ का नहीं हुआ, झूठे वादे करने वाला और सबको ठगने वाला प्रधानमंत्री मोदी सबको ठग रहा है। किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम दिलाओ, किसानों को कंगाली से बचाओ और किसानों की समस्याओं का समाधान कराओ। लेकिन भाजपा जब जब सत्ता में आती है तब तब किसानों पर कहर ढाती है। खेती बिलों का विरोध करने के लिए पहले पंजाब और हरियाणा के किसान आगे हो गए, उनका नाम रख दिया खालिस्तानी। आज खेतीबाड़ी का समय है और किसान रोड पर आकर आंदोलन कर रहा है। 5 सालों में पहले की सरकार ने 2,00,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा था पूरे देश में। नए कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसानों का प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी है। इस वक्त दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने पुराड़ी मैदान में जाने के बाद केंद्र सरकार के साथ बातचीत के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। किसानों के हुकार से नवंबर की ठंड में भी दिल्ली में गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसा नजारा दिल्ली में 32 साल पहले देखने को मिला था। उस वक्त दिल्ली में इससे भी बड़े पैमाने पर दिल्ली के वोट क्लब में किसान इकट्ठा हुए थे। वो दौर था किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का, जिनके नेतृत्व में 5,00,000 किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के वोट क्लब में रैली की थी। जब जब किसान आंदोलन की बात होती है तब तब किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र जरूर होता है। उनका अंदाज ठेठ गवाही वाला था, जो आंदोलन के दौरान मंच पर नहीं बल्कि हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किसानों के बीच बैठ जाते थे। एक दौर वो भी आया जब उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन से सत्तारूढ़ दल को अपनी रैली की जगह भी बदलनी पड़ी। और अब दिल्ली में एक बार फिर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, पर सरकार किसानों के इस आंदोलन को राजनीतिक बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले ये होता था कि अगर सरकार का फैसला किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से आतंक और भ्रम फैलाया जा रहा है। 5 सालों में पहले की सरकार ने 2,00,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा था पूरे देश में, 2,00,000 करोड़ एमएसपी पर। लेकिन हमने हमारे 5 साल में धान के लिए 5,00,000 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में किसानों तक हमने पहुंचा दिए हैं। यानी लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है। वहीं कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि देश भर के अलग अलग आंदोलन को बदनाम करने का काम मौजूदा भाजपा सल्तनत करती है। किसान आंदोलन हो या शिक्षा आंदोलन, भाजपा सल्तनत आंदोलनकारियों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस के शासन में भाजपा आंदोलन करती थी और हम लोकतंत्र का मान रखते थे, लेकिन भाजपा शासन ने लोकतंत्र को खत्म किया है। आज खेतीबाड़ी का समय है और किसान रोड पर आकर आंदोलन कर रहा है। किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बोला जा रहा है। मैं भाजपा सरकार से अपील करता हूँ कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, किसानों से बात की जाए। अगर किसान परेशान होगा, किसान दुखी होगा तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? किसान की मेहनत की वजह से हमारे घर में रोटी आती है। और ऐसे समय में सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दमनकारी नीतियों से किसानों को खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। सत्ता में आई मोदी सरकार, किसानों पर बढ़ गए अत्याचार, बंद हुए सब कारोबार और देश में मच गया हाहाकार। मोदी सरकार सत्ता में आते ही किसान विरुद्ध भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी सहित कई विपक्षी दलों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करके कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल वापस कराने में सफलता भी पाई, मगर एक बार फिर भाजपा की मोदी सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर आई है। भाजपा ने किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की कसम खाई है। भाजपा नए किसान विरोधी काले कानून लागू कराकर झूठ और फरेब की आड़ में किसानों को छलने का चक्रव्यूह रचा रही है। कुल मिलाकर चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा की मोदी सरकार किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाह रही है, चंद उद्योगपतियों का किसानों को गुलाम बनाना चाह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान मूवमेंट को खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ने पर नाराज किसान समर्थक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कैसे आंदोलन को कमजोर किया जाएगा, इसके लिए वो हर हथकंडा अपनाती है।
अब खेती बिलों का विरोध करने के लिए पहले पंजाब और हरियाणा के किसान आगे हो गए, उनका नाम रख दिया खालिस्तानी। दरअसल जब आप किसानों को रोकने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उनपे पानी के बौछारे कर रहे थे, गैस के गोले फेंक रहे थे, वो कहीं थक ना जाएं, निराश होकर वापस ना चले जाएं, यहाँ के बुजुर्गों ने उनको अपना इतिहास सुनाना शुरू कर दिया, जयकारे लगाने शुरू कर दिए और बताया कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे हैं। जिस लोगों की बात अपने सरकार तक पहुंचानी थी, आप खुद उनका विरोध करना शुरू हो जाते हो। क्या पॉलिसी है आपकी मोदी भक्तों की? डिवाइड एंड रूल। आप उसमें भी हार गए। अभी किसान दिल्ली पहुंचे नहीं थे, वहां से मैसेज आ रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे मिलकर ना लंगर तैयार कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर के व्यापारी और किसान पृष्ठभूमि से आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम गुप्ता किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि विपक्ष के लोग किसानों को भड़काने में लगे हैं। आंदोलन में किसानों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं। भाजपा सरकार किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश लाई है वो किसान हित में है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग प्रधानमंत्री और बीजेपी समर्थकों के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ काजल निषाद ने किसानों के समर्थन में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। किस मोदी से उम्मीद लगा रहे हो जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जिस पेट से जन्म लिया, जिस पेट में 9 महीना रहा, उस माँ को धोखा देकर जो भगोड़ा भाग गया था, उस मोदी से आप उम्मीद लगा रहे हो कि वो आपकी बात सुनेगा? वो किसानों का क्या होगा? इसलिए मैं कह रही हूँ कि देश का सबसे शक्तिशाली किसान से लड़ रहा है कायर प्रधानमंत्री मोदी। वो कायर, वो झूठा, झूठे वादे करने वाला और सबको ठगने वाला प्रधानमंत्री मोदी सबको ठग रहे हैं।